शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा करके वापस स्वदेश लौट आए हैं। पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनके लौटने पर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की ऐतिहासिक यात्रा से वापस स्वदेश लौट आए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे हैं। उनका स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एयरपोर्ट पर पहुंची थी। तो ये तस्वीरें देखिए, भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। तो पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद भारत रवाना हो गए और अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के दहेग में 3,000 भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के हर कोने में जो भी भारतीय है वो राष्ट्रदूत है। पीएम ने कहा कि पासपोर्ट का रंग बदल जाने से रिश्ते नहीं बदलते, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार की कोशिशों की बदौलत आज पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है और देश के विकास में आज महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं। खेती से लेकर अंतरिक्ष तक देश की बेटियां देश का सिर शान से ऊंचा कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि यहां पर रहने वाले पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। और मेरी हर हिंदुस्तानी से प्रार्थना है, आग्रह है कि पासपोर्ट के रंग के आधार पर रिश्ते नाते न जोड़ें। पासपोर्ट का रंग कुछ भी क्यों न हो, उसके और मेरे पूर्वज एक है। जिस धरती की पूजा वो करता है, उस धरती की पूजा मैं करता हूं। उसकी जिंदगी की वो मुसीबत रही कि 150 साल पहले उसे देश छोड़ के जाना पड़ा, मैं भाग्यवान हूं कि मैं अब भी मेरे देश की जड़ों से जुड़ा हुआ हूं। मेरा ज्यादा कर्तव्य बनता है कि मैं सुरीनाम वालों को गले लगाऊं, हम एक बन करके रहे, हम साथ मिलकर के कार्यक्रम करें।